Mr. Ilyas Ahmed visit Mysore Waqf office regarding the appointment of chairman to DWAC Mysore district. Mr. Ilyas Ahmed chairman presently designation is under challenge before High Court DWAC. With respect to the subject cited issue, I would like to bring to your kin notice that I was appointed as the chairman of the District Waqf Advisory Committee v. Government Order 2010 dated the 21st of January 2020, aggrieved by the SA order, some persons preferred the writ petition before Honorable High Court of Karnataka WP 3397-2020, and in the said matter, Honorable High Court was pleased to grant a stay of 2 weeks, and the same was extended till today. When such being the case, by ignoring th aspect of pendency of writ petition, the State Waqf Board is making efforts to appoint a new chairman. The very act of these person amounts to contempt of court, and also they are showing disrespect to the Honorable High Court of Karnataka. Further, I would like to state that when the earlier order it's under challenge before the Honorable High Court, in the above mentioned writ petition, the present State Waqf Board has no locus standi to pass similar orders or making other order respect of appointment of any chairman to the Mysore District Waqf Advisory Committee. Hence, I request your good self to kindly direct the State Waqf Board Committee to appoint any administrator to look after the affairs till the disposal of the above mentioned writ petition. Otherwise, permit me to continue in the said post as Ad Chairman till the litigation is completed before the Honorable High Court. Mr. Ilyas Ahmed spoke to our channel. Luminous Mysuru is the news channel in India, and also subscribe our channel for latest updates. जी इलियास भाई, आज आप लोग यहाँ आए हैं और आप बहसे थे चेयरमैन चंद दिन यहाँ पे खिदमत भी अंजाम दिए. उसके बाद बोर्ड की जानिब से आपका जो टर्म था वो तहलील किया गया, उसके बाद आप कोर्ट गए थे. आज यहाँ आने का मकसद क्या है इलियास भाई? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु. सबसे पहले आज यहाँ पर हम लोग आने का मकसद ये है कि मेरे साथ जो आए हैं मेरी टीम जो DWAC 2020 जनवरी 22 तारीख को जो हमने यहाँ पे चार्ज किया था वो सारी टीम हमारे साथ आई है. जैसे आप सब जानते हैं कि 2020 जनवरी 22 तारीख को हम लोगों ने हमारा अपॉइंटमेंट हुआ था DWAC मैसूर के जो ऑफिस बेरर के ऑफिस बेरर के, तो हम लोग ने आके यहाँ पे चार्ज किया. चार्ज लेने के बाद करीब 25 से 27 दिन तक हमने काम किया. तो उसके बाद मीटिंग वगैरह भी हमने सब किया. फिर बाद में फरवरी 17 तारीख को एक स्टे ऑर्डर मिला था जो पुराने जो DWAC टीम थी उन्होंने उनका अभी भी टर्म बाकी है तो उनको निकाला गया है बोल के उनको स्टे ऑर्डर लिया गया था. वो सिर्फ 2 हफ्ते का स्टे ऑर्डर था, इंटीरियम स्टे ऑर्डर जो आज तक भी बरकरार है. वो स्टे ऑर्डर वेकेट नहीं हुआ है अभी. तो उसके मुताबिक हमें उतरना पड़ा. फिर उन्होंने जो आरिफ साहब थे, आरिफ मिश्री साहब, उन्होंने फिर से आके दोबारा बैठे. फिर बैठने के बाद दिसंबर 5 तारीख को उनका टर्म उनका भी खत्म हो गया. खत्म होने के बाद ये सिर्फ मैसूर का DWAC के बारे में एक बात नहीं है, पूरी सारी कर्नाटक के DWAC का मामला है ये. तो पूरे 23 डिस्ट्रिक्ट को ये अपॉइंटमेंट हुआ था तो 23 डिस्ट्रिक्ट को भी इसमें स्टे ऑर्डर मिला था. तो सब लोगों का यही हालत थी. बहुत सारे जगह अभी उनका टर्म खत्म हुआ है. अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, हाई कोर्ट का जो भी डिसीजन और जजमेंट के लिए इंतजार कर रहे हैं हम लोग. तो इस बीच में क्या पता चला कि और भी कोई यहाँ पर चेयरमैन वगैरह का ऑर्डर लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसलिए हम लोग आज इस जगह पर आकर यहाँ के वक्फ ऑफिसर के जरिए CEO साहब को एक लेटर हम मेमोरेंडम पेश कर रहे हैं कि इस तरह से हमारा कोर्ट में केस चल रहा है तो आप किसी को भी अपॉइंट ना कीजिए और पूरे सारे वक्फ बोर्ड को भी मेंबरान को भी बताइए कि इस तरह से मामला जो कोर्ट में है तो अगर अपॉइंटमेंट हुआ तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा, कोर्ट के खिलाफ ऑर्डर होगा. तो इसलिए मेहरबानी से जब तक कोर्ट में हल नहीं हो जाता, जजमेंट नहीं आता, इसको कोई भी चेयरमैन अपॉइंट ना करे. अगर जरूरत है तो एडमिनिस्ट्रेटर को अपॉइंट कीजिए, ये बताने के लिए हम लोग आए हैं और मेमोरेंडम अभी दिया हमने. इलियास भी, आप बखूबी जानते हैं ये जो भी होता है वक्फ बोर्ड की मंजूरी से किया जाता है. मैंने सुना कि आप अल्हम्दुलिल्लाह पार्टी से हैं, बीजेपी पार्टी से हैं और इख्तदार में बीजेपी पार्टी, तो आपका ये मानना है कि हमारा हक पहले है, तो आपकी लड़ाई जारी है. यानी प्रताप सिंह हो या कोई भी ऐसे लोग हैं उनका सपोर्ट आप ले रहे हैं ऐसा सुना मैंने. सबका सपोर्ट है जी. तो अगर पार्टी में है बोले तो हर पार्टी में भी हर एक को भी सपोर्ट मिल रहा है. ऐसा नहीं कि अब देखिए
हम जब गए लास्ट टाइम कांग्रेस अब तक हुकूमत थी, कांग्रेस की हुकूमत में हमने जाके पूछा क्या जो हमें चेयरमैन दीजिए, आगे कम से कम एक मेंबर भी हम पूछता है पूछा है क्या क्यों नहीं दिया गया हमें? अगर ऐसा समझते तो सबको साथ में ले जाना है बोलते तो वो ले सकते थे ना, क्यों आज तक नहीं पूछा? तो अब हुकूमत हमारी है, आप सब जानते हैं 2008 में जब बीजेपी की हुकूमत आई तभी भी हमारे बीजेपी के ही लोग जो थे उन्होंने काम किया था ना, DWAC में थे जनाब अमजद साहब थे, फिर और हमारे उरुष साहब थे, उन सब ने काम किया है। तो ये एक रूटीन है, ये जब भी गवर्नमेंट बदलती है तो हर एक बोर्ड कॉर्पोरेशन के सभी भी जो अपॉइंटमेंट पिछले गवर्नमेंट से किया जाते हैं उनको बर्खास्त किया जाता है, फिर नए से लोगों को लिया जाता है। अभी क्या है इसमें टर्म था वो एक बात थी बस, जो पिछले कमिटियों का टर्म था अब उनका टर्म खत्म हो गया है, खत्म हो गया है तो किसी को तो आना ही है, ऐसा नहीं कि बीजेपी कांग्रेस ऐसा नहीं है, तो इसलिए हमें अपॉइंट किया गया है तो हम आ रहे हैं। देखिए ऐसी बात, और एक बात यह है कि मैं आपको बता दूं कि गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती है, ऐसी भी बात है। और ये वक्फ बोर्ड के मामले में जो वक्फ बोर्ड के एक्ट वगैरह जो जानते नहीं वही बात ज्यादा करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, जो जानते हैं वो बात नहीं करते। मैं मैसूर की जो आवाम है उन सबसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है। अब देखिए वक्फ बोर्ड बनाया किसने है, गवर्नमेंट ने बनाया, किसी भी गवर्नमेंट हो चाहे कांग्रेस हो बीजेपी, और किसके अंडर में काम करती है वो गवर्नमेंट के अंडर में काम करती है, और तनख्वाह कहाँ से आता है, ग्रांट्स कहाँ से आता है, ये सब भी जो है गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट से ही आता है। तो इतना सब लेकर क्यों वो गवर्नमेंट के अंडर काम नहीं करती, इंडिपेंडेंट बॉडी बोलती है? तो ये ऐसा है कि वो उन चलाने के लिए कुछ एक्ट बनाए गए हैं, वक्फ बोर्ड में चलाने के लिए उनके लिए कुछ स्पेशल एक्ट है, सिर्फ उसी को लेके वो चलेंगे बस, ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट में गवर्नमेंट का हुकूमत नहीं हुकुम नहीं सुनना है, गवर्नमेंट की बात नहीं सुनना, ऐसा नहीं है। अब पिछले बार सभी जो भी गवर्नमेंट वगैरह थे मेरे पास उसका प्रूफ है, अभी एक मेरे पास एक प्रूफ में अभी भी लाया हूँ यहाँ पे, इसके मुताबिक अभी 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 अब के जो लोग हैं क्या कह रहे हैं वो देखिए, मिनिस्टर वगैरह का लेटर नहीं चलता, मिनिस्टर का आर्डर नहीं चलता, गवर्नमेंट का आर्डर नहीं चलता, ये कहते हैं। लेकिन एक आर्डर कोप्पड़ का आर्डर था तो इसमें 2019 में एक आर्डर निकला था, इसके मुताबिक इसमें क्लियरली कहा गया है कि इकबाल अहमद अंसारी जो लेजिस्लेटिव असेंबली कोप्पल से हैं, उन्होंने एक लेटर लिखा था जनाब जमीर अहमद साहब को, जबकि हज और वेलफेयर और वक्फ के मिनिस्टर थे, उनको लिखा गया था कि एक जो साहब हैं जनाब वाहिदुद्दीन साहब बोल के उनको कोप्पल का डिस्ट्रिक्ट का चेयरमैन बनाया जाए। तो उसके मुताबिक वो पूरा क्लियरली बता के यहाँ पे आर्डर निकला है कि इकबाल अहमद अंसारी साहब के कहने पर, यानी उनके सिफारिश के ऊपर जनाब जमीर अहमद खान के लेटर के ऊपर हमने एडमिनिस्ट्रेटर ने इस DWS के चेयरमैन को बनाया है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ तो कांग्रेस हुकूमत है तो जो भी मिनिस्टर बोलता है वो चलता है, अगर बीजेपी हुकूमत है तो नहीं, मिनिस्टर का नहीं चलता, ये बात है। अभी थोड़ी दिन और एक थोड़े दिन पहले क्या हुआ था, एक अपॉइंटमेंट भी हुआ था जी यहाँ पर एक, तो वो अपॉइंटमेंट भी खारिज किया गया और हमारे जो डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर है उन्होंने लेटर भेजा है वक्फ मिनिस्टर को, और हमारे जो और एक CEO साहब को भी लेटर भेजा है, जो हुआ है उसको कैंसिल करके इमीडिएट मेरे नाम से इलियास अहमद को इस पोस्ट के लिए अपॉइंट किया जाए। यानी अकरम साहब की बात कर रहे हैं आप? जी जी बिल्कुल। अच्छा, जहाँ तक नहीं, जहाँ तक अकरम साहब की बात है, आपने सुना होगा कि हाल ही में बोर्ड से उनको मंजूरी दी गई थी लेकिन उनको भी लेटर नहीं मिला है तमाम मेंबरान के जी, इसी वजह से ये सभी चल रहे हैं ना। अच्छा। ये मामले चल रहे हैं तो इसलिए बहुत सारे लोगों को पता नहीं है ये बारे में क्या है, क्यों है, किधर है, इसलिए हम लोग सब आवाम को कहने के लिए बताने के लिए इधर आए हैं हम लोग, और जो मेंबरान जो मालूम नहीं है वक्फ बोर्ड में जो है उनको भी बताने के लिए कि ऐसा है मामला, हम भी है अभी भी हम रेस में है, अभी भी हमारा कोर्ट में केस चल रहा है, अगर कोई भी अगर अपॉइंटमेंट निकल गया तो ये कोर्ट के खिलाफ है, कोर्ट के खिलाफ तमाशा बना दिया गया है। जो लोग वक्फ का मीनिंग ही नहीं समझ रहे थे ऐसे लोग सामने आकर बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि कोई माँ पेट के सीख कर आता है, हर कोई सीखने वाला है, लेकिन वक्फ को लेकर तमाशा बना दिया गया है, हर किसी को जुबान पर वक्फ के बारे में, जबकि वो बिल्कुल नहीं जानता कि रियलिटी क्या है, ये तक नहीं जानते कि ये सिलेक्शन होता है इलेक्शन नहीं होता, ये लोग भी ये तक पता नहीं है लोगों को, आपकी बात सही है। लेकिन जहाँ तक अकरम साहब की बात है, मैंने जैसा कहा कि वो बाकायदा कमेटी की एक लिस्ट वायरल हो गई है, आप जानते होंगे वो,
तो ये जो आप लेटर बता रहे हैं, अब हमको और एक कंफ्यूजन होता है कि ये क्या हो रहा वाला है आने दिनों में, तो खुलकर बताइए कि आपकी क्या कोशिश है। देखिए अभी जो लेटर की बात कर रहे हैं, लिस्ट की बात है, जनवरी में इससे पहले और एक भी लिस्ट बनी थी जो अप्रूवल भी हो चुकी है। मैं कहना चाहता हूँ जनाब आरिफ नेगरी साहब के सदारत में यानी चेयरमैनशिप में एक और एक भी लिस्ट वो पूरी बोर्ड में भी रख के उसको मंजूरी ली गई है, लेकिन वो आज तक वो भी ऑर्डर नहीं निकला है। समझ में आ गया ना? तो बोर्ड के मेंबरान कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि दो चार लोग मिलके इसको पास करो उसको पास करो, कर सकते हैं, लेकिन ऑर्डर नहीं निकल सकता जब तक सीईओ उसके पास सिग्नेचर नहीं करते, वो ऑर्डर नहीं बनता। अच्छा, फिलहाल आपकी क्या पोजीशन है कोर्ट में? जो आपका मामला था वो वक्फ बोर्ड से तो खारिज कर दिया गया, कोर्ट का क्या कहना है? कोर्ट से खारिज नहीं हुआ है, कोर्ट से खारिज नहीं, मैं यही कहता हूँ कोर्ट से खारिज नहीं हुआ है। वक्फ बोर्ड से एक उस वक्त में जनाब यूसुफ साहब, मरहूम यूसुफ साहब जो थे, उन्होंने एक मीटिंग किया था, उसमें हमें जो टीम जो कमिटीज बने थे उनको ऐसा ही रखा गया था जब तक उनका टर्म नहीं होता उस वक्त तक ये टीम ऐसे ही रहेंगे। अच्छा, जो कमिटीज है ये कहा गया है, रेजोल्यूशन का भी मेरे पास है, मैं बताऊंगा। है तो दिखाई दीजिए। नहीं मैं बताता हूँ आपको, भेज देता हूँ। रेजोल्यूशन हुआ था तो और एक गवर्नमेंट से और एक भी एक एक्ट है, एक्ट 97 बोलते हैं, उसके मुताबिक गवर्नमेंट बोर्ड को हिदायत दे सकती है, जो भी सजेशन है वो सब दे सकती है, तो उसको मंजूर करना जरूरी है बोर्ड। बिल्कुल। तो इस तरह से तो ये मामले में जो हमारे बोर्ड के जो DW से हुए थे, जो इनके बारे में एक दो सजेशन गए हैं गवर्नमेंट से, वो उनको मानना नहीं मानना बोर्ड का है। अब नहीं मानेंगे तो उसका उनको उसका जो है वो सजा मिलेगी। क्यों बोले तो अभी देखिए, उसको नहीं मानेंगे बोले तो सेंट्रल को जाएंगे, CW से उसके ऊपर, ये लोग हम गवर्नमेंट से बता सकते हैं। तो बहरहाल आपकी कोशिश जारी रहेगी जब तक आपका आदेश ना मिले। बिल्कुल, जब तक कोर्ट में मामला है, जब तक कोर्ट में जजमेंट नहीं होता, इंशाल्लाह हम लोग इसमें। आज यहाँ पे आए थे, वो लेटर में क्या था मेमोरेंडम आप जो दे रहे हैं सीईओ को, जो आपको भी मैं वो साफ कभी भेज दूंगा जो है वो जी, उसमें वही बताया गया है कि हम लोग चार्ज लिए थे और कोर्ट केस चल रहा है, केस नंबर 3397 बोल के, उसके मुताबिक हम लोग अभी भी है यानी चेयरमैन है, वो जो पोस्टर को रोका गया है बस। हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया है, लेकिन अभी भी मैं चेयरमैन हूँ, उस वर्ड को जो चेयरमैन जो लव्ज है उसको हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया है, यही लिखा हूँ मैं। तो इसलिए किसी को भी इधर अपॉइंटमेंट मत कीजिए, अगर करना है तो एडमिनिस्ट्रेटर को कीजिए, फिर नहीं तो हमें ही अडहॉक कमेटी बोल के हमें ही चलाने के लिए एक ऑर्डर पास कीजिए। शुक्रिया।